नमस्कार मेरे किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये 0238 गन्ना ही है। किसी एक पेड़ में भी कोई खराबी नहीं आई, किसी एक पौधे में भी कोई दिक्कत नहीं आई। सिंगल लाइन ट्रेंच में गन्ना लगाया गया, 5 फुट की दूरी पे। किसान भाइयों, निश्चित रूप से 100 के आसपास गन्ना निकलेगा और बीच में सह फसली भी ली गई। इसमें क्या क्या काम ऐसा करा गया पूरे साल भर कि ये 0238 गन्ना पूर्ण रूप से बचा लिया गया, इस पे आज सारी की सारी बात करेंगे। क्योंकि किसान साथियों, इस बार फरवरी मार्च में हम सभी किसानों के सामने ये प्रश्न उठा हुआ है कि हम किस गन्ने की बुआई करें, किस वैरायटी की बुआई करें। क्योंकि 60 से 70% किसान भाइयों का 0238 गन्नों के खेत अब के खराब हो गए। किसान बहुत परेशान है। जो नए बीज हैं, एक तो वे मिल नहीं रहे, और जो मिल भी रहे उनकी भी बहुत अच्छी रिपोर्ट अभी नहीं है। 13235 बीज किसी के पास तो अच्छा खड़ा है, और किसी के पास उसमें रोग भी आए और अच्छा भी नहीं हो पाया, ये भी सच्चाई है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कई सारी वीडियो में बताया किसान साथियों, थोड़ा थोड़ा गन्ना बीज लेके बुआई करें। एक एक बीघे की ही बुआई करें, जो अच्छी वैरायटी निकले उसका चयन करके आगे उसे बढ़ाएं। लेकिन तब तक करें क्या? सबसे ज्यादा किसान इस बात से परेशान है कि इस बार फरवरी मार्च में हम किस गन्ने की बुआई करें। किसान साथियों, ये सच्चाई है कि हमें 0238 को ही अभी लगाना पड़ेगा। तो बुआई करते वक्त और कटाई के समय आने तक हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं इस साल जो चूक नहीं करनी, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी किसान साथियों, जिससे हम अपना गन्ना बचा लें। क्योंकि आपके सामने मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारे किसानों से मिलता हूं, और ये भी आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी कितना अच्छा गन्ना कटा है। अभी भी 30% किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना गन्ना बचा लिया। ये बचाया जा सकता है, 1-2 साल आसानी से चलाया भी जा सकता है किसान भाइयों। लेकिन सारी दिक्कत यहां आती है कि जानकारी का अभाव है। जो हमारे पेस्टिसाइड वाले बैठे हैं बाजारों में, वो केवल अपनी दवाई बेचने पे लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसान का कितना नुकसान हो रहा, उसे फायदा होगा या नहीं होगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बार हमें बुआई से कटाई तक क्या करना। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं किसान भाइयों, अगर आपने शुरू से ये काम करा तो निश्चित रूप से आप अपना गन्ना बचा लोगे, और अगली साल तक कुछ ना कुछ एक आध बीज हम तैयार भी कर लेंगे। कम से कम अपनी बुआई के लिए तो तैयार कर ही लेंगे। 15-023 की भी बुआई करो 1-1.5 बीघे, और 1 बीघे बीज 13-235 का भी लगाओ, और कोई अच्छी वैरायटी मिलती है 14-201 उसका भी लगाओ। लेकिन बीज महंगे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ, और परफॉर्मेंस पे भी निर्भर करता है आपके क्षेत्र में कौन सा गन्ना बीज कब पकड़ करेगा, कितनी पकड़ करेगा, ये सारी चीज़ें समय बताएगा किसान भाइयों। अब मान लो आपने कहीं से 14-201 का बीज बहुत ज़्यादा लगा भी दिया और वो निकला ना कुछ भी, तो जब भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। उससे अच्छा हम 0238 पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें और इसे 1-2 साल बचा लें किसी तरीके से, क्योंकि ये मरता मरता भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे जाता है। तो पिछली साल हमने क्या गलतियां करी और इस बार हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी, मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, जब भी इस बार हम फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई करें, बुआई करते वक्त आपको सीरा सागी दवाई का इस्तेमाल करना। आप जो खाद बीज डाल लेंगे वो ठीक है, 2 आंख के टुकड़े की बुआई करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आंख जो नॉर्मल हम बुआई करते हैं, और जो लाल गन्ना निकले उसको हटा देना है किसान भाइयों। नीचे का अगर आप गन्ना छोड़ दे 3-4 बोरी नीचे की, तो बहुत ही अच्छा रहेगा किसान भाइयों। और बुआई करते वक्त सीरा सागी, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल, जो रिजेंट के अंदर दवाई आती है फिप्रोनिल, ये दोनों दवाइयाँ आती है, गन्ने की 90% बीमारी ये दोनों दवाई खत्म कर देती हैं किसान भाइयों। सीरा सागी इफको कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ता मिलता है किसान भाइयों। अगर आप
जब खूड निकाल देंगे और गन्ने की बुआई कर देंगे किसान भाइयों, तो उसके बाद आप 10 टंकी का घोल बना लो। सीरा सागी जो दवाई है, एक पैकेट या दो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है किसान भाइयों। 40-40 ग्राम के इस दवाई के पैकेट आते हैं, उसका 10 टंकी का घोल बना लो और 1 एकड़ में कांचियों के ऊपर जो गन्ने टुकड़े हैं उनके ऊपर स्प्रे कर दो बुआई करते ही, और पानी लगा दो किसान भाई। ये तो सूखी बुआई होगी, सूखे गन्ने की। अगर आप पलेवा करके करते हैं तब भी आप जब गन्ने टुकड़े बिछा दे तो उस पर स्प्रे करके पाटा लगा दो किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका गन्ना निश्चित रूप से यहीं सिक्योर हो जाएगा शुरू में, क्योंकि दवाई के अंदर 40-40% मात्रा दोनों दवाइयों की दी गई है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। उसके बाद जब गन्ना निकल के आ जाता है 1.5 महीना 2 महीना बाद, जब हम पहले पानी पे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी किसान भाइयों, ये दवाई लगाने के बाद दूसरे पानी पे आप लगाओ कोरोजन। कोरोजन मैंने पिछले साल बहुत सारे किसानों को दी, देसी कोरोजन मैं उसको बोलता हूँ। 4,000 रुपये की 1 लीटर आती है, जहाँ 1,800 रुपये की हमें 150 ml मिलती है बाजार में। मैं इस बार भी प्रोवाइड करवाऊंगा किसान भाइयों, उसके बहुत तगड़े रिजल्ट मिले। आप उसको डाल दो दूसरी डोज हमारी। अब उसके बाद आपको करना क्या है, नॉर्मल खाद दवाइयों पे अपने गन्ने को रखना है, यूरिया का थोड़ा कम प्रयोग करना। किसान साथियों, हर 21वें दिन आपको, जब आपकी फसल 3 महीने की हो जाएगी, 2.5 महीने की हो जाएगी, हर 21वें दिन इन दो दवाइयों के बाद आपको एक कीटनाशक लेना है बाजार से। किसान भाइयों, हर 21वें दिन आपको डायरी बनानी है, आपको टाइम टेबल लगाना है बिल्कुल डेट वाइज। हर 21 से 25 दिन के बीच में आपको एक कीटनाशक लेना है, एक फंजीसाइड लेना है। चाहे दुकान वाला आपको कुछ भी बोले कि नहीं, दो दवाइयां ले जाओ, तीन दवाइयां ले जाओ, चार दवाइयां ले जाओ, नहीं। किसान साथियों, आपको एक दवाई लेनी है, वो लैम्डा साइलो थ्रीन हो सकती है, वो हमला दवाई हो सकती है जिसके अंदर क्लोरोसाइपर है, वो आप फिप्रोनिल भी लगा सकते हैं लिक्विड, बाद में एक बार फिर रिपीट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, लीथल सुपर जो सबसे जानी मानी सस्ती दवाई है वो भी हो सकती है। हर 21 से 25 दिन के बीच में आपको स्प्रे करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप स्प्रे चूक गए तो वहीं पे आपका गन्ना नुकसान खा जाएगा, आप नुकसान खा जाओगे इसी साल की तरह। किसान भाइयों, अगर हम एक डोज में तीन तीन चार चार दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तब जाके हमारा ओवर बजट जाता है दवाइयों का, वरना आप बुआई से और कटाई तक अगर 7 स्प्रे भी लगाएंगे 25वें दिन 21वें दिन के बीच में, तो भी आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन दवाई सस्ती अच्छी कंपनी की, और एक दवाई लगानी है, एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड। और बदल बदल के दवाइयां लगाते हो, बाजार में जाओ, इस बार लिथल, अगली बार लैम्डा, अगली बार कोई और, अगली बार कोई और। आप 6 से 7 स्प्रे अपने गन्ने पे करो किसान भाइयों, और कोई रास्ता नहीं है जब तक आपको एक अच्छा बीज नहीं मिल जाता। और ये वीडियो सभी ग्रुप और सभी अपने किसान भाइयों से जरूर शेयर करें किसान साथियों, और कोई रास्ता नहीं है। एक कीटनाशक, नुकसान कहाँ हो रहा है किसान भाइयों का, दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले बेवकूफ बनाते हैं, एक ही बीमारी की चार चार दवाइयां दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी दवाई का स्प्रे कर देना, लेकिन 21 से 25वें दिन कर देना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो दो दवाइयां मैंने बेस में बताई हैं, बेस मतलब जो सबसे पहले बताई हैं, इफको कंपनी की सीरा सागी जो जमीन में डालनी है बुआई के समय, स्प्रे कर देना है कांचियों पे, और दूसरी किसान भाइयों कोरोजन। किसान भाई कहेंगे कि कोरोजन के तो रिजल्ट नहीं आए ये वो, किसान साथियों जमीन में पहली डोज देना, और जो मैंने बताई आप वो भी मंगवा सकते हैं मेरे पास से, बहुत सारे हजारों किसान ले गए, उनके इंटरव्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको, कितने अच्छे रिजल्ट इस दवाई के आए, बहुत सस्ती पड़ती है। तो किसान भाइयों, ये जो दो दवाइयां बेस में आप डाल दोगे बिल्कुल इसके जीन्स में भर जाएगी, हल्की दवाइयों से ही बिल्कुल कंट्रोल होता चला जाएगा बाद में। और किसान साथियों, एक दवाई 21वें दिन एक फंजीसाइड के साथ स्प्रे करनी है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं किसान साथियों, कुछ नहीं बिगड़ने का 0238 का। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं वीडियो में, ये भी इस पे पूरी 7 स्प्रे लगी हैं, एक पत्ते में भी रोग नहीं आया किसान भाइयों। लेकिन चाहे रात भी हो रही, लेकिन 22वां दिन नियुक्त कर दिया किसान ने, चाहे कुछ भी हो गया, 21 से 25 दिन के बीच में स्प्रे लगी ही लगी है।
मैं आपको फिर समझा रहा हूँ किसान साथियों, चाहे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी लग जाएं, लेकिन अगर गन्ना बचाना है 1-2 साल, तो इसमें 21 से 25 दिन पे स्प्रे लगानी, और दुकान वालों के झांसे में नहीं आना। एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड, और जो डोज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml दवाई एक एकड़ खेत में लगनी चाहिए। ये नहीं लगानी कि मुझे हज़ार तीन तीन दवाइयाँ मिला के 1500 ml दवाई बना दी और फायदे की जगह उसका नुकसान होता है, जल जाता है गन्ना, बढ़वार रुक जाती है। किसान भाइयों, एक बात मैं वीडियो में बताने भूल गया हूँ कि इस बार जब हम अपने गन्ने की बुआई करें फरवरी मार्च में, तो या तो 4 खुड़ पे एक खुड़ छोड़ो खाली, जब हम 28 इंच या 26 इंच या 30 इंच पर नॉर्मल बुआई कर रहे हैं, या फिर 8 खुड़ पे भी हम एक खुड़ खाली जरूर छोड़ें, क्योंकि हमें लास्ट तक स्प्रे करनी है। किसान भाइयों, जब हमारा गन्ना बड़ा बड़ा हो जाता है, एक तो स्प्रे वाले उसमें स्प्रे सही से नहीं लगाते, हम देख नहीं पाते कर पा रहे हैं सही या नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो हम खुड़ छोड़ेंगे, ये मत समझना कि उससे प्रोडक्शन घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। जहां हवा बाढ़ ज्यादा लगती है वहां और अच्छा गन्ना होता है। तो किसान साथियों, स्प्रे ज्यादा दिनों तक बड़े बड़े गन्ने पे भी लगानी है हमें, और इसके लिए हमें या तो 4 खुड़ पे एक खुड़ छोड़ना, या 8 खुड़ पे भी आप एक खुड़ खाली छोड़ देंगे, तो पूरी साल भर आप उसमें स्प्रे लगा पाओगे। गन्ना बचाना है तो ये काम भी बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ये सारे काम अगर आप बुआई से कटाई तक करेंगे, 6-7 स्प्रे लगाएंगे, और किसान साथियों जो बेसल डोज में मैंने दवाई बताई है सीरासागी और पहले या दूसरे पानी पे कोरोजन, वो आपको जरूर इस्तेमाल करनी। बेस मजबूत हो जाएगा गन्ने का, उसके बाद हल्की दवाई, एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड, 21 से 25 दिन पे आपको स्प्रे करनी, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसान भाइयों। ये गन्ना आपके सामने उदाहरण है जो खड़ा हुआ है। धन्यवाद।